प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज सुबह निधन हो गया। सुबह 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी की मां का निधन अहमदाबाद की यूएन अस्पताल में हुआ, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां के निधन के बाद पूरा देश भावुक है और सभी उनके जाने के बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और भावुक होते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक पुत्र के लिए माँ पूरी दुनिया होती है। माँ का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पूर्णात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। तो कुछ इस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया था और ट्वीट करते हुए बताया था कि उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन 100 साल की उम्र में हुआ है। उनका इलाज अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में हो रहा था। हीराबा को मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने पहुंचे थे और लगभग 1.5 घंटा अस्पताल में बिताया था। डॉक्टरों से मां के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली थी और इसके बाद डॉक्टरों ने मां का एमआरआई और सीटी स्कैन किया था। गुरुवार को अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है, लेकिन शुक्रवार की सुबह उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा इसी साल जून में 100 साल की हुई थी। हीराबा के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मां हीराबा का आशीर्वाद दिया था, उनके साथ पूजा अर्चना भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मां के पैर फकारे थे। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है और 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिसके बाद पूरा देश गमगीन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि ये असहनीय और अपूर्णीय क्षति है।